अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो भी मेरी फैमिली की पसंदीदा रेसिपी है और ये है देगी पालक गोश्त। तो चलें आई मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये एक टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन है, ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है, ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक है और ये इसमें से मैं एक पिंच यूज़ करूँगी, ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है और ये पिसा हुआ गर्म मसाला है, ये सूखी मेथी है तकरीबन हाफ टेबल स्पून, एक मैगी की क्यूब है, क्वार्टर टी स्पून हल्दी का है, एक टी स्पून मिर्चों का है, हाफ टी स्पून नमक का है। मिर्चें जो है वो आप अपने हिसाब से भी अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 500 ग्राम मेरे पास मटन है यानी कि बकरे का गोश्त है और स्पिनिच है, ये तकरीबन 1.5 किलो का पैकेट था, ये बेबी स्पिनिच है, इसको मैंने सिंपल धो के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने बॉयल किया है। हाफ कप इसमें दही यूज़ होगा, अगर आपके पास 2% है थोड़ा सा खट्टा है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और तकरीबन 1 कप करीब जो है मैं इसमें दूध इस्तेमाल करूँगी। ऑयल जो है वो टोटल 1 कप इस रेसिपी में यूज़ होगा, जिसमें से थोड़ा सा मैंने इसमें पैन में डाल लिया है जिसमें मैं ये अपना प्याज फ्राई करूँगी और जो बाकी है उसमें मैं अपनी पालक फ्राई करूँगी। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी रेत चाहिए डेली। इसको मैंने बस इतना करना है कि जितना मैं नरम कर लूँ और ये हमारे बजिश की आवाज़ है, आज मैंने इनकी जगह चेंज की है इसलिए थोड़ा सा शोर कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ें आपको वक्तन फ़ोक्तन मेरी रेसिपी में आती रहेंगी। प्याज को मैंने हल्का सा जो है कलर देना है, बिल्कुल लाइट सा, कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए, बस इतना फ्राई करना। प्याज जो है वो मेरा थोड़ा सा नरम हो गया है, हल्का सा कलर आ गया उसमें। अब मैं इसमें ये लहसुन जो है पिसा हुआ ये डाल दूंगी और इसके साथ ही ये क्यूब जो है ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा करती हूँ इस्तेमाल। और इसको मैं पालक फ्राई करूंगी उसके साथ डालूंगी क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए ये मैं इसमें डाल दूँगी। और बाकी ये जो हमारे मसाले थे और जो मेथी थी ये मैं अभी गोश्त के साथ डाल रही हूँ। एक बात आपसे कहूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना गोश्त में ढेर सारा पानी डालकर उसको चढ़ा लेते हैं गलने के लिए, ये इतने गोश्त में मैं तकरीबन 1 कप जो मेजरमेंट वाला होता है वो यूज़ कर रही हूँ, ये इतना इनाफ है इसके लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि गोश्त में बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसको कभी मत पकाएं, उसका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। अगर गोश्त सख्त है तो आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे जब आ जाए तो फिर आप उसको बिल्कुल हल्की आंच पर जो है वो इसको पकने दें तो ये बहुत अच्छे से गल लेगा। इस रेसिपी में ये मुझे 75% गला हुआ चाहिए, बाकी जो है वो मैं जब पालक डालूंगी तो इसको दम में गलाऊंगी मैं। ये बस अब जब पकने लग जाता है तो मैं इसको हल्की आंच पे गलने के लिए इसको मैं रख दूंगी, ये 75% मुझे गलाना है। गोश्त मैंने पीछे अपने पीछे वाले चूल्हे पे गलने के लिए रख दी है, वो हल्की आंच पे पकता रहेगा। उतनी देर में जो है मैं पालक फ्राई कर लेती हूँ। 1/4 कप जो था वो मैंने उसमें डाला था ऑयल और 3/4 कप मैं इसको पालक फ्राई करने के लिए यूज करूंगी। ये जरा अच्छे से गर्म हो जाए फिर मैं इसमें पालक क्यूब और अदरक कटा हुआ ये डाल के फ्राई करूंगी। और ऑयल मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं पालक कटा हुआ अदरक और जो कनौर क्यूब था मेरे पास वो मैं डाल के इसको फ्राई करूंगी। अब इसको पालक को मैंने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर से सारा जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए और ये थोड़ी सी ड्राई लगे हमें। ये देखिए पालक जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, किनारों पे ऑयल आ गया है और पानी जो है वो इसमें से खुश्क हो गया बिल्कुल। हाँ जी, पालक मेरी हो चुकी है फ्राई, मैं चूल्हा बंद करती हूँ और गोश्त के गलने का इंतज़ार करती हूँ, फिर आगे की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। अब गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है और ये 75% गल चुका है, अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून जो है वो दही का डालूँगी और इसको मैं गोश्त के साथ भून के अच्छे से दही का पानी जो है इसको खुश्क कर दूंगी। गोश्त भून गया था वो मैंने इसमें डालकर ये दूध का जो 1 कप था वो डाला और अब ये पिसा हुआ मसाला जो मैंने रखा था ये डालूंगी
और इलायची का पाउडर एक दो पिंच के करीब। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने पीस के रखी है, मैं बस इसको हल्का सा ऐसे झटकूंगी और इसमें इसका पाउडर चला गया है। और अब इसको मैं मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट मैं इसको दम पे रखूंगी, और जब ये दूध खुश्क हो जाएगा तो ये इंशाल्लाह हमारी डिश जो है ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो शादियों पे कभी खाया करते थे वही टेस्ट आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।